खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ, तहलका न्यूज मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी। नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। रेड लाइट एरिया के कमरा का खुला ताला, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश, पहुंचकर पुलिस को की शिकायत। जी हां, मऊ नगर के रेड लाइट एरिया में पुलिस ने गत दिनों देह व्यापार को बंद कराकर, पूरी तरह से बंद कराकर ताला जड़ दिया था, उनके रूमों में ताला जड़ दिया था। मगर कल देर शाम को अचानक किसी ने ताला तोड़कर उसमें प्रवेश कर लिया, जिसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश भर गया और इसकी शिकायत पुलिस को की। बंद पड़े ताला को तोड़कर कुछ लोगों ने किराए पर भी उस मकान को दे दिया। सूत्र बताते हैं कि जिनका ये मकान था, जिस वही ताला तोड़कर इसमें प्रवेश कर गए हैं, कुछ लोगों ने किराए पर दे दिया है तो कुछ लोगों ने अंदर से सामान निकालने का भी काम किया है। इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगा तो भारी आक्रोश में आ गए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा बंद किए गए ताले को क्यों तोड़ा गया, कैसे खुल गया है। ये धीरज राजभर, सभासद धीरज राजभर के नेतृत्व में भारी संख्या में मोहल्ले के लोग पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मऊ नगर के रेड लाइट एरिया का, जहां पे ये देखिए तस्वीरें, जहां पे ताला तोड़कर कुछ लोगों को किराए पर रख दिया गया है। ये तस्वीरें हैं मऊ नगर के शहादतपुरा स्थित रेड लाइट एरिया का। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं फिर से ताला जड़ दिया गया है। ये तस्वीरें हैं मऊ के रेड लाइट एरिया का। तुरंत खाली करवाओ, पहले आदेश लो, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। इसमें ताला बंद था, कैसे खुल गया? ऐसा है, जाए और जगह ठीक है, तलाश तो अपना सामान ले जाएंगे। और ठीक है, सामान आके ले लेना, कोई बात नहीं। यहाँ जब रूम मिलेगा तब हम सामान ले जाएंगे। ठीक है, ले जाएगा सर। ठीक है, वो ठीक है, उतना चल जाएगा सर। कि जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता है, शहादतपुरा मोहल्ले में हम लोगों के बहुत पुराना रेड लाइट एरिया संचालित होता था और काफ़ी समय से मोहल्ले वासियों के द्वारा, यहाँ के सम्मानित नगर मोहल्ले के निवासियों के द्वारा समय समय पर इसका विरोध किया गया और इसको बंद कराने की प्रक्रिया कराई गई है। पिछले कुछ महीने पूर्व एक शहादतपुरा के मोहल्ले का डेलीगेशन माननीय कप्तान साहब से जाके मिला था और कप्तान साहब ने इसको संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। और कुछ महीने पूर्व शीरो साहब, कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक टीम गई और उस रेड लाइट एरिया में जितने भी घरों में इस तरह का अवैध धंधा चल रहा था, उन सभी घरों पर ताला बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोगों को कल सूचना मिली कि कुछ घरों के ताले बिना किसी अनुमति से खोल दिए गए थे। उसी के संबंध में हमने अपने चौकी प्रभारी को अवगत कराया कि आखिर सरकारी ताला जब बंद था तो किसकी अनुमति से ये ताला खोला गया और किस वजह से खोला गया। इसी को अवगत कराने के लिए हम चौकी प्रभारी के पास आए थे और एक पूरे मोहल्ले के हमारे डेलीगेशन के रूप में हमारे वरिष्ठ जो भी यहाँ के सम्मानित लोग हैं वो लोग आए थे और अपनी बात रखे हैं। और इसमें कार्रवाई करते हुए तुरंत चौकी प्रभारी जी ने जो भी जिस रूम का ताला खोला गया था उस ताले को पुनः बंद करने का कार्य किया है और जो व्यक्ति ताला खोला था उसको गिरफ्तार कर हवालात भेजने का काम किया है। आप देखते रहिए तहलका न्यूज, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, मऊ का नंबर 1 चैनल तहलका न्यूज। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।